Hey, what is up guys? Welcome back to my YouTube channel and I hope आप लोग सब अच्छे होंगे. In this blog, मैं आज जा रहा हूँ, अभी तो सितेज भाई कार आई है, स्कॉर्पियो, सितेज भाई को जानते हुए. तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी वॉश करवाने, इंटीरियर एक्सटीरियर सब खराब हो चुका है. चलो ये तो फिर अलग बात है. तो आज के ब्लॉग में होने वाला है, मैं अपनी बाइक में थोड़ा सा मोड्स कराने वाला हूँ, मतलब कुछ ग्राफिक्स एड करवाने वाला हूँ और अपने हेलमेट में और थोड़ा थोड़ा कुछ करवाने वाला हूँ, तो वो मैं आज आपको पूरा क्लियर कर दूंगा. तो हमें अभी ये गाड़ी वाड़ी करवा के क्लियर करवा के सीधे जाएंगे, हम अपनी बाइक उठाएंगे पहले घर से, उसके बाद जाएंगे अपन मार्केट, वहाँ पे ग्राफिक्स होते हैं, उसके पास जाकर सब करवाएंगे. तो बने रहिए, तो अभी मिलते हैं सीधे वॉश के टाइम पे. तो गाइस अभी फाइनली हम आ गए हैं खाटू श्री रसूलिया में. तो क्षितिज भाई कार अभी लगा दी वहाँ पे, अभी उसमें देखा था कि पंचर थी, तो पंचर भी अभी रिपेयर करवाया है और अभी गाड़ी धुल रही है. अभी देखते हैं आधे घंटे में गाड़ी धुल जाएगी, उसके बाद मैं सीधे घर जाऊंगा, घर से अपनी बाइक उठा के हेलमेट उठा के और सीधा अपन जाएंगे मार्केट और अपना ग्राफिक का जो काम पेंडिंग है वो करवाएंगे. तो ऐसे ही चलता रहेगा. तो मैं बात कर रहा था आज, मतलब आज से गाड़ी स्थिति से चालू है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश जी, आपके जितने सारे दुख हैं उनको हरने. ये अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी एटमोसफेयर एकदम मस्त, मतलब अभी शहर ऐसा होने वाला है ना अभी 10 दिन की, भाई इतनी भीड़ भाड़ देखने को जो मिलती है अपन को, थोड़ा बढ़िया भजन अजन की आवाज़ चल रही है, डीजे बज रहे हैं, बहुत अच्छा सुकून मिलता है एकदम. मैंने अभी जिम स्किप कर दी है क्योंकि मैं अभी डाइट ऑफ पे हूँ, मतलब मैंने अब नहीं खाऊँगा नॉनवेज वगैरह, अंडे वगैरह. तो अभी जिम अपन पूरा इग्नोर कर रहे हैं और अभी अपन सोच रहे हैं कि ब्लॉग ही बनाए अभी 10 दिन. 10 दिन में एटलीस्ट कम से कम तीन चार ब्लॉग तो मैं बना ही दूंगा, हो सकेगा तो डेली ब्लॉगिंग अगर मुझसे बनती है तो मैं करूँगा, नहीं तो 3-4 ब्लॉग तो आपको देखने को मिल जाएंगे. तो बने रहिए मेरे साथ, अभी गाड़ी धुलती है उसके बाद अपन सीधे जाएंगे घर और उसके बाद बात करेंगे सीधे. तो गाइस देखो वो गाड़ी अपनी धुल रही है, अभी वैक्यूम हो रहा है, तो अभी गाड़ी धुलने वाली है. 2 hours later. तो फाइनली गाइस कार धुल चुकी है और अपने पीछे बैठे हैं सौरभ भाई जो कि अभी अभी मिले हैं हमें, तो इनको ड्रॉप करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपनी बाइक के काम के लिए. और अभी मेरे को थोड़ा सामान लेना क्योंकि आज पूजा है, तो मम्मी ने बोला था कि कुछ सामान लेना है, तो वो मैं अभी लेता हूँ और मैं आपको मिलता हूँ सीधे आगे. सौरभ भाई को यहाँ ड्रॉप कर दिया अपन ने, बाय कर रहे हैं. ठीक है भाई, मिलते हैं ना. चलो ठीक है. तो बस काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया हमको अभी कार धुलवाने में, पता नहीं इंटीरियर में क्या पहुँच रहा था वो. खैर कोई बात नहीं, अभी चलते हैं सीधे अपन आगे. फाइनली गाइस अपने सामान तो ले लिया है, अब जा रहे हैं अपन घर. तो अभी अपन है घर पे और देखो हेलमेट उठा लिया मैंने, अपनी बीस ये खड़ी है. ओ सॉरी, चाबी तो रही गई. देखते हैं दिस वन. तो अभी चल रहे हैं अपन सीधे अपनी बाइक को मोड्स कराने, मोड्स मतलब कि अपन उसमें थोड़े से ग्राफिक ऐड कराएंगे, थोड़ा रेडियम वगैरह लगवाएंगे. तो मिलता हूँ बाहर आपको. अपन चल रहे हैं बाइक पे और सितेज भाई गाड़ी सामने खड़ी है, पूरी धुल के आ गई है और अपन जा रहे हैं सीधे मार्केट और अपनी बाइक पे जो काम पेंडिंग वो करवाते हैं. तो मैं सीधे गाइस अब अपन को मार्केट में मिलूंगा. यहाँ पे यूट्यूब का अपना जो चैनल का नाम है अपना, मेरा नाम वो लिखवा लेता हूँ और सोच रहा हूँ हेलमेट में भी अपने ग्राफिक्स ऐड करा लेता हूँ. तो गाइस अभी बरसात ऑलमोस्ट शायद ख़त्म होने वाली है क्योंकि ओस गिरने काफ़ी ज़्यादा कोहरा मच रहा है अभी बाहर, मतलब घर से जब अपन सुबह सुबह उठो और कोहरा ज़्यादा उठो तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी और धूप कितनी ज़्यादा पड़ रही है और गर्मी भी भयंकर ही है. से अप्रॉक्स मतलब 3-4 किलोमीटर दूर मार्केट है, जिस दुकान पर अपन जा रहे हैं वो भैया को अपन ने फ़ोन लगा दिया लेकिन फ़ोन पिक नहीं किया उन्होंने. तो यहाँ से मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर और बचा है शॉप जिस पर अपन जा रहे हैं. तो आज थोड़ी सी और अट्रैक्टिव बनने वाली अपनी बाइक, ज़्यादा कुछ नहीं ग्राफिक्स का काम, बस कुछ लोगो बनवाने हैं मुझे और इसके अलावा कोई भी काम नहीं है. लेफ्ट लेना है, अपन ब्रिज से नीचे उतर चुके हैं. आई होप कि वहाँ पे भीड़ कम हो, जैसे कि कार में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, देखो क्राउड कितना ज़्यादा हो रहा है अभी और शायद ही खाली हो वो दुकान क्योंकि भीड़ भी काफ़ी आती है उसके पास. हाँ वो देखो काम ही कर रहा है अभी तो कुछ. तो भाई की दुकान पर हम पहुँच चुके हैं. A few inches later. तो देखो फाइनली गाइस हमारा कटिंग हो चुका है, एडीएम 0909. यूट्यूब का साइन भी लग चुका है बाइक पे अपनी. तो अब ये 09 बचे हैं जो अपने पैनल साइड पैनल में लगने वाले हैं, एक लेफ्ट एक राइट में. तो यार अरमान भाई हैं, इन्होंने अपनी बाइक टेफलोन की थी, पीपीएफ कोटिंग भी अपनी बाइक में भैया ने की थी. तो अगर आप होशंगाबाद के आसपास है तो ज़रूर आएँ भोपाल रेडियम. तो भाई हमारा माइंड लगने वाला है. तो गाइस मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है मेरा, बराबर देख लेना एक बार. देखो ना आप देख लो एक बार. हाँ जीरो, हाँ एक इंच नीचे ही था, चलता रहा 19-20 तो कोई दिक्कत थोड़ी.
देखो गाइस फ्रंट में भी मेरे को पसंद आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ फ्रंट में भी लगा लो, तो फ्रंट में भी लगा दिया। देखो ये लग रहा है। तो गाइस अपनी गाड़ी तैयार हो चुकी है, देखो आगे भी वही। तो मैं चल रहा हूँ अब घर, तो घर जाके मैं आपको पूरे वॉक अराउंड बताऊँगा। तो अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो अपना और चलते हैं घर। तो भाई ऐसी दिख रही है मेरी कुछ बाइक, देखो ये अपना 09 अपना बर्थ डेट, और ये अपना मोनो लोगो यूट्यूब का, यहाँ पे भी 09 और इधर भी 09। तो ये मोड्स कराया अपन ने बाइक में, हेलमेट में भी सोच रहा था, लेकिन हेलमेट में कुछ ये थोड़ा सा रफ सरफेस है इसलिए इसमें स्टिक नहीं हो रहा था वो। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि बाइक कैसी लग रही है अभी, पहले अच्छी लग रही थी ये अभी लग रही, तो प्लीज़ बताना ज़रूर। तो गाइस अभी अभी पता लगा कि अपनी जेनी फिर मम्मी बन गई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन जेनी। ये देखो इसको ही मैं अंडे खिलाता हूँ रोज, इसको ही, अभी बंद है, इसकी डाइट भी चालू है, गणेश जी बैठ गए इसलिए। तो इसको बाय बाय बोलते हैं। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मेरे चैनल, और ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जल्दी से। तब तक लिए बाय।